आज द जॉन एंकरबर्ग शो में डॉक्टर रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। रवि भारत में पले बड़े, यहाँ इनके पूर्वज याजकों में ऊंची जाति के थे, लेकिन एक दिन इन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना और विश्वासी बन गए। अब ये संसार में सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट हैं। 70 से भी ज्यादा देशों में यात्रा की है और बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी में वक्ता रहे हैं, जिनमें है हार्वर्ड, प्रिंसटन, डॉर्टमाउथ, जॉन्स हॉपकिंस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये दक्षिण अफ्रीका में पीस अकॉर्ड में भी वक्ता रहे हैं और मिलिट्री अफसरों को भी लेनिन मिलिट्री एकेडमी में, सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मॉस्को में वक्ता रहे। 3 बार इन्हें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के एनुअल प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलवाया गया और इन्होंने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में सीट ऑफ गवर्नमेंट अटोवा कनाडा में भी संदेश दिया और लंदन इंग्लैंड में भी और CIA वाशिंगटन DC में भी वक्ता रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ जाएं विशेष प्रोग्राम द जॉन एंकरबर्ग शो में। प्रोग्राम में स्वागत है, मैं जॉन एंकरबर्ग। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शायद आपके किसी दोस्त ने आपको फोन करके बताया कि आज आप हमारा प्रोग्राम देखें और हमारे अद्भुत मेहमान की सुनें, और यदि ऐसी बात है तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप जो भी सुनेंगे उसमें निराश नहीं होंगे। मेरे मेहमान हैं बुद्धिमान मसीह अपोलॉजिस्ट रवि जकरिया। ये पूरे संसार में 70 से भी ज्यादा देशों में यात्रा कर चुके हैं और सबसे सम्मानित यूनिवर्सिटी में वक्ता रहे हैं। विद्यार्थियों के जीवन के कई मुश्किल सवालों का जवाब देते आए हैं और ये व्यवहारिक रूप में और बड़ी प्रेम से इसे करते हैं। साथ ही ये वक्ता हैं सरकारी लीडर के सामने संसार के दूसरे भागों में, और 3 बार ये यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में वक्ता रहे हैं एनुअल प्रेयर ब्रेकफास्ट में, जो हर साल UN जनरल असेंबली में हर साल शुरू में होता है। और ये प्रसारण दोस्तों 206 देशों और प्रांतों में देखा जाएगा और ये बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। और आने वाले हफ्तों में मैंने रवि से कहा है कि विद्यार्थियों के सवाल का जवाब दे, सबसे पहले पूर्व के लोगों के सवालों पर एक हफ्ता बिताएं और फिर हम मध्य पूर्व में जाएंगे और फिर यूरोप के लोगों के लिए एक सप्ताह उनका उत्तर देंगे और फिर अमेरिका के विद्यार्थियों को, तो मैं सोचता हूं आप इसका आनंद उठाएंगे। इनका जन्म चेन्नई भारत में हुआ। और रवि, हमारा संसार गड़बड़ी में है, लोग जवाब ढूंढ रहे हैं और लगता है कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं मिलती है, और आप खुद गड़बड़ी में पड़े हुए नौजवान थे। हमें चेन्नई में वापस ले जाइए, और आप यीशु मसीह की स्पष्ट शिक्षा को नहीं जानते थे। ये सब कैसे हुआ और आप विश्वासी बने और यीशु के पीछे चलने लगे? खैर, सबसे पहले आपके साथ मिलकर खुशी हुई जॉन, आपको कई साल से जानता हूं और हमारी दोस्ती से बहुत खुश हूं। जी हाँ, आप सही हैं। मैं सोचता हूँ कि गड़बड़ी तो शायद निश्चित है आज के संसार में, और ये किसी खास परंपरा के लिए नहीं है। चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ, सच में हमारे दर्शकों का ज़्यादा भाग तो सच में जवानों के बीच में है। चाहे ये यूनिवर्सिटी हो या हाई स्कूल हो या चाहे जो हो, ये जीवन में सवाल पूछने वाला स्तर होता है। और एक चाइनीज नीति वचन है जो कहता है, यदि आप जानना चाहते हैं कि पानी क्या है तो मछली से न पूछना। जब आप किसी बात में इतने डूब जाते हैं तो अक्सर आप किसी दूसरे दृष्टिकोण के बारे में सोचते भी नहीं। आप इस पर सवाल पूछना नहीं चाहते हैं कि आपका वातावरण किस बारे में है, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि शायद आप किसी बात में बाहरी रूप में डूबे हो, लेकिन भीतर में आप उससे भाग नहीं सकते जो आपका पीछा कर रहा है। यानी हाँ, आप सही हैं, चेन्नई भारत में मैं पैदा हुआ, जो उस समय मद्रास कहा जाता था, लेकिन कुछ साल पहले उसे बदलकर चेन्नई रखा गया, बॉम्बे बदलकर मुंबई रखा गया। मुझे ये सब याद रखना पड़ता है। उस दक्षिणी शहर में मेरी परवरिश हुई, मेरी माँ चेन्नई में ही पैदा हुई और बड़ी हुई थी। मेरे पिताजी दक्षिण भारत से आए थे, केरला के राज्य से। उनकी मुलाकात चेन्नई में हुई और वही शादी हुई। यानी मेरे पिताजी मलयालम बोलते थे, माँ तमिल बोलती थी। मेरी परवरिश दिल्ली में हुई और मैं हिंदी बोलता था। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं हिंदी और तमिल बोल सकता हूँ, मलयालम में मुझे केवल पिताजी के उपयोग के डांट के शब्द याद है, तो मैं लोगों के सामने उसे नहीं कहता। चेन्नई में मैं रहता था जब छोटा था, 3-4 साल की उम्र तक, फिर दिल्ली में आ गया। लेकिन बात तो यह है जॉन, लोग ये नहीं जानते कि भारत संसार में सबसे ज्यादा गांवों का देश है। लोग जवाब ढूंढ रहे हैं विधियों के द्वारा, परंपरा के ऐतिहासिक रिवाजों के द्वारा, और ये सब आस्था के साथ आता है। तकनीकी रूप में कहे तो अविश्वासी विद्वान कहेंगे दूसरी बातों पर विश्वास कर सकते हैं, हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं।
केवल कुछ लोग ही बड़ी ईमानदारी से इसका पालन कर रहे हैं भारत के लोगों में, लेकिन इस परंपरा में पूर्वजों की अच्छी पीढ़ी का इतिहास होने के कारण, जो कि याजकों में ऊंची जाति से थे, जो कि अच्छे लोग थे, मेरे पिताजी केरला से थे, मेरी माँ चेन्नई से थी जैसे मैंने कहा है, लेकिन मैंने धार्मिक बातों के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में मुझे अच्छे से कर दिखाने के लिए जोर दिया गया। भारत पढ़ाई में बहुत स्पर्धा की परंपरा का देश है। यदि हम अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी हर तरफ से दबाव होता है। वहाँ विद्यार्थियों पर बहुत दबाव होता है जी, और केवल पास होने के लिए काफी नहीं, ज्यादा अंक कमाने थे, लिस्ट में ऊपर रहना था। और मैं ये नहीं कर रहा था, क्रिकेट मेरे खून में था, मैं क्रिकेट और टेनिस खेलता था, मुझे स्पोर्ट्स फील्ड पसंद था, पढ़ाई के भाग से नफरत करता था। और फिर अंत में मेरे पिताजी के साथ मैं बड़ी परेशानी में फंस गया, मैं वो नहीं कर पा रहा था। और उसे पाने की कोशिश करने और स्वीकृति की जरूरत के बारे में, भारत के बारे में एक और बात, ये शर्म पर चलने वाली परंपरा है, यदि अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं तो सफल होने की कोशिश में शर्मिंदा होते हैं। भारत में आत्महत्या करने का सबसे ज्यादा रेट तो तब होता है, अखबारों में परीक्षा के रिजल्ट्स दिए जाते हैं। पूरे देश में बच्चे बिल्डिंग से कूदते हैं, खुद पर केरोसिन डालते हैं और खुद को जलाते हैं। यहाँ तक कि मेरे करीबी दोस्त ने भी खुद के साथ ऐसे किया। यानी ये इस तरह की परंपरा थी जिसमें मैं जन्मा, बड़ा और लड़ता रहा। मेरे भाई और बहन अच्छे पढ़ रहे थे और मैं नहीं, मैं परिवार में असफल व्यक्ति था और अंत में इसी ने मुझे पकड़ लिया। जी, मैं मुंबई में गया हूँ और अब कोलकाता जा रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि लोग जिस किसी आस्था के पीछे चलते हैं वो उसे बहुत ही ईमानदारी से मानते हैं, यानी वो ईमानदार हैं लेकिन वो फिर भी गड़बड़ी में हैं, उनके पास अभी भी कुछ जवाब नहीं है, अभी खोज रहे हैं। आप इसके बारे में बताइए। और लोग अक्सर सोचते हैं कि मसीहत तो कुछ खास लोगों का बढ़ा हुआ दृष्टिकोण है। नहीं नहीं, ये सच है कि सब बड़े हुए दृष्टिकोण के हैं, कोई भी बड़े दृष्टिकोण के बिना नहीं है, नहीं तो वो नहीं बनते, वो एक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, केवल कुछ को छोड़कर। और जवाब की खोज में मैं तो चाहे जो भी उसमें गया, और खालीपन और अकेलापन और स्कूल की असफलता, देखिए ये सब मेरे एक भी मसीही दोस्त नहीं थे, वो सब तो ज्यादातर अविश्वासी दृष्टिकोण के थे जो परिवार के लिए बहुत आदर की जिम्मेदारी रखता है, और ये सब मेरी परवरिश इसी तरह हुई। लेकिन खालीपन भीतर आया बिना जवाब के, केवल सवाल थे, परंपरा परंपरा परंपरा, इसे मानना ही होगा। मैं जानता था कि ये मुझे कहीं नहीं ले जाएगा, और अंत में मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। जी, इसके बारे में बताइए, आपने कैसे किया? खैर, कई साल तक इसे नहीं कर पाया जॉन, सच कहता हूँ। जब तक मेरे पिताजी और माँ जिंदा थे, ये उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। फिर मेरे पिताजी के अंतिम साल में पूरी तरह शून्य हो गया। उन्होंने मेरी पत्नी से इसके बारे में कहने के लिए कहा, और फिर उन्होंने बात की, और ये तो फिर से शर्म की बात थी। कोई मानना नहीं चाहता है कि कोई कहे कि कितने नीचे गए थे। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसका मनोवैज्ञानिक अयोग्यता से संबंध नहीं था, और ड्रग्स और इस तरह की दूसरी बातों का मुद्दा नहीं था, ये केवल अर्थ की खोज करना था। मैं जीवन को एक साथ रखना चाहता था और ये मेरे लिए एक साथ नहीं आ रही थी। तो मैं कॉलेज में अपनी क्लास में गया और वहाँ पर साइंस लैब में गया, कुछ केमिकल्स देखे, साथ में ये प्लास्टिक बैग्स लिए। मुझे पता नहीं था कि क्या कहा गया है, केवल वो नहीं लिया जिस पर लिखा था जहर, उसे साथ में घर लेकर आया, पानी के ग्लास में डाला। एक दिन सुबह की बात है, सब लोग घर से बाहर थे, रेस्टरूम में गया, उसे हिलाया, वो तुरंत ही घुलने लगा प्रभावी रूप में। मैंने टीस्पून से उसे घुमाया और उसे निगल लिया। मैं शुरू के दिनों में अपनी कहानी ये कहते हुए बताता था दुर्भाग्यवश, लेकिन एक बार डॉक्टर ने मुझे सही किया कि आप सौभाग्य से इसे कहना शुरू कीजिए। वो बहुत नमकीन था और मेरा सिस्टम उसका इनकार करने लगा। तब मैं सिंक को पकड़े हुए था, पूरी तरह पसीना पसीना हो गया था, मैं अपने घुटनों पर गिर गया, मदद के लिए जोर से चिल्लाया। घर की नौकर ने मुझे चिल्लाते हुए सुना, घर में और कोई नहीं था, वो आए। मुझे पता नहीं था कि दरवाजा तोड़ दिया या उसे धक्का मारकर गिरा दिया, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन उसने मुझे उस दयनीय दिशा में देखा, मुझे टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। और जब मैं पूरी तरह से होश में आया, मुझे इतना ही पता है कि मेरे हाथ में सुइयां थी। डिहाइड्रेशन के कारण मेरे माता पिता मेरे बगल में ही थे, वो पूरी तरह
निराश थे कि तुम्हें पता नहीं कि किस तरह से जिए, अब तुम्हें मरना भी नहीं आता। वो तो मेरे लिए चौराहे की जगह का पल था कि जो सवाल मैं पूछ रहा था उसे गंभीरता से पूछता चला जाऊं। एक आदमी आपके कमरे में आए और क्या किया? खैर, ये मेरे लिए अद्भुत बात है, इसलिए मैं अलौकिक मुलाकात पर विश्वास करता हूँ। मैं किसी के आने की राह नहीं देख रहा था। सच में मुझे पता नहीं कि उन्हें इस तरह क्यों आने दिया। शायद इसलिए कि उन्होंने कहा था कि वो सेवक हैं और वो एक छोटा लाल नया नियम लाए थे और मेरे लिए उसे पढ़ना चाहते थे, और मेरी माँ ने कहा वो नहीं कर पाए, मैं बुरी दशा में था। तो उन्होंने यूहन्ना का 14वां अध्याय निकाला और वहाँ अद्भुत रूप में यीशु थोमा से कह रहा था, पहला व्यक्ति जो भारत में सुसमाचार लेकर आया और वो अविश्वासी लोगों तक पहुँच रहे थे, मेरे ही पूर्वज जो सदियों पहले थे। और यूहन्ना के उस 14वें अध्याय में जैसे यीशु कह रहा था, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, मैंने उस वचन को पकड़ लिया और कहा, यीशु यदि तू मुझे वो जीवन दे रहा है जो मैंने कभी नहीं पाया था, मुझे तुझसे वो जीवन चाहिए। वो मेरे लिए बदलाव की जगह थी। मैंने सच में कोई अर्थपूर्ण प्रार्थना नहीं की और मैंने यीशु मसीह को न्योता दिया, जीवन का कर्ता, कि मुझे वो जीवन दे जो केवल वो दे सकता था 17 साल की उम्र में। और मेरी माँ को बाइबल दी गई, मैं उसे नहीं पकड़ पाया। जैसे मैंने बताया था कि डिहाइड्रेशन हुआ था, तो मेरी माँ ने अपनी भारी आवाज़ में मेरे लिए इसे पढ़ा। मैंने प्रार्थना की और वो इस यात्रा की शुरुआत थी जो अभी भी जारी है, जो पूरी खुशी और सच्चाई से भरी है। जी, मोड़ और घुमाव, उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब परमेश्वर का नक्शा हमारे मन में होता है, आप उसके साथ हाथ मिलाकर चलते हैं। मेरे मेहमान हैं रवि जकारिया, विद्वान मसीह अपोलॉजिस्ट, जिन्होंने मेरे पहचान के सभी लोगों में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कैंपस में संदेश दिया है। और आपको हार्वर्ड में आने के लिए कहा गया था और बहुत ही मुश्किल सवाल पर लेक्चर देने के लिए कहा गया था, क्या मनुष्य परमेश्वर के बिना जी सकता है, और उस लेक्चर में से एक किताब बनी, लेकिन मुझे वापस ले जाइए और सवाल का जवाब दीजिए, क्या मनुष्य परमेश्वर बिना जी सकता है। जी, ये मेरे लिए बहुत ही याद रखने वाला समय था जॉन, 90 की शुरुआत में जब पहला वेरिटास फोरम किया गया। अब वो पूरे देश में इसे करते हैं अलग यूनिवर्सिटीज में, और मुझे विषय दिया गया था क्या मनुष्य परमेश्वर के बिना जी सकता है, विल डोरेंट के कोटेशन से। उन्होंने कहा था कि हमारे समय का सबसे महान सवाल है वो तो उत्तर के विरुद्ध में दक्षिण जाना नहीं है, पूर्व से या पश्चिम में, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में, लेकिन हमारे समय का सबसे महान सवाल होगा कि क्या मनुष्य परमेश्वर के बिना जी सकता है। और मैंने इन्हीं आखिरी शब्दों को लिया और मेरे लेक्चर का शीर्षक दिया। मैंने वहां 2 लेक्चर दिए जिसे बहुत से समूह ने स्पॉन्सर किया था, फिलोसॉफिकल सोसाइटी, मसीही ग्रुप्स और दूसरे लोग, और जगह थी हार्वर्ड लॉ स्कूल। और मुझे इसके बारे में 2 बातों बहुत ही स्पष्ट रूप में पता है। ये हार्वर्ड येल फुटबॉल गेम वीकेंड में हुआ था, तो वो परेशान थे कि किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। और नंबर 2, मैं पहली बार अपने पैरों पर खड़ा था पिछले 2 हफ्तों के बाद। मैं स्कॉटलैंड में था, कुछ रिसर्च कर रहा था डेविड लिविंगस्टन पर, पीठ में चोट लगी, डिस्क हर्निएट हुई, मेरा शरीर इस तरह झुक गया था। ग्लासगो में 5 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, वापस आया, मेरे एक टीममेट मुझे लेने के लिए आए थे और मैं इतने समय तक बिस्तर पर लेटा था उस दिन तक जब मुझे बोस्टन में आना था कि इससे कर पाऊं। ये तो याद बहुत अद्भुत है, मुझे पता नहीं था कि ये किस तरह होगा, लेकिन वही सवाल था और यही सवाल है। इसे जवाब देने के 2 तरीके हैं। थ्योरी के रूप में, हाँ, लोग ऐसे जी सकते हैं कि मानो परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है। नास्तिक, एग्रोस्टिक, एथिस्टिक, कम से कम ज्यादा लोग ये करते हैं। व्यवहारिक रूप में ये असंभव है, खासकर आप किसी भी बात पर नैतिकता की बात करना चाहते हैं। यही परेशानी जॉन पॉल सार्ट की थी, यही परेशानी आगे जाकर एंथनी फ्लू की भी थी, जैसे आप अच्छे से जानते हैं। ये इनकोहेरेंस, जैसे हम संसार में जीवन के सवालों के बारे में बुनियादी बातों को लाते हैं, ये तथ्य के रूप में और संजोग से नहीं होगा। जी, अस्तित्व के रूप में लोग इसे हटाना चाहेंगे और जैसे तैसे जीवन जी लेंगे, लेकिन यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और पीछा करने वाले सवालों का जवाब देना चाहते हैं, तो परमेश्वर के बिना जीना असंभव है। मैं सोचता हूं कि ये ड्यूरेंट्स की चुनौती थी, क्या हम ऐसे जिएंगे जैसे मानो वो अस्तित्व में नहीं है, और यदि ये होता है तो हम किस तरह की गड़बड़ी के संसार का सामना करेंगे। और जैसे नीचते ही ने कहा, 20वीं सदी इतिहास में सबसे ज्यादा खून बहने वाली होगी, क्योंकि परमेश्वर की मृत्यु के बाद विख्यात हुई थी और ये ऐसा ही हुआ। पिछली
19वीं सदी के साथ जुड़ने से भी ज्यादा खून बहाया गया। जी, मैंने दिलचस्प पाया कि निच्ची के लेख ने हिटलर पर प्रभाव डाला और हिटलर ने उन्हें स्टालिन को दिया और मुसोलिनी को दिया। और आप बता सकते हैं कि इन तीनों देशों के साथ क्या हुआ? जी, ये तो जानते हैं, यदि आप पॉल जॉनसन की किताब पढ़े, नाम है मॉडर्न टाइम्स, वो ये कहानी बताते हैं। वो इस तीन डेमोगॉग्स के बारे में कहते हैं, 1900 के मध्य के समय में हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी। और सच तो ये है कि एक बार स्टालिन सेवकाई में जाने की तैयारी कर रहे थे और प्रभु में विश्वास खो बैठे। हिटलर तो अवश्य ही सुपर रेस बनाना चाहते थे, यूबरमैन वो एक मजबूत मनुष्य बनाना चाहते थे कि राज्य करे, और ये विचार कि परमेश्वर के बिना जीना बहुत विख्यात हो गया। नीतचे ने उस तरह से देखे तो, जो पास्टर के बेटे थे और उनके दादा और नानी सेवकाई में थे, और उन्होंने कहा कि जब हमने ये जाना कि परमेश्वर 19वीं सदी में मर गया तो पागलपन शुरू होगा। उनके जीवन के आखिरी 13 साल तो पागल हो गए, ठीक हुए, पागल हुए और हफ्तों तक चुप रहते थे। लेकिन उन्होंने ये दृष्टांत दिया, उन्होंने कहा कि क्या आपने उस पागल आदमी के बारे में नहीं सुना जो कंदिल लेकर शहर में गया और कहा, मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ, परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ। उसने लोगों की हंसी सुनकर सोचा कि वो नकल कर रहा है, और फिर उसने कहा, परमेश्वर कहाँ चला गया? क्या हम उसे खो बैठे? क्या वो यात्रा पर चला गया, खो गया? और ये सवाल। लेकिन नीचे के बारे में एक बात मुझे पसंद है कि वो अपने निष्कर्ष के उपयोगिता के बारे में ईमानदार थे। आधुनिक फिलोसोफर ये जहाँ जा रहा है उसे लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नीचे ईमानदार थे और उन्होंने इस तरह का, जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, किसने हमें क्षितिज को पोछने के लिए स्पंज दिया है? क्या कोई उतार चढ़ाव रह गया है? क्या दिए को सुबह के समय जलाना चाहिए? हम कैसे उस सबसे महान उपलब्धि पा सकते हैं जो मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी है? कोई क्षितिज नहीं रहा। उसने जाना कि परमेश्वर की मृत्यु का अर्थ है कि ये सटीकता की मृत्यु है और निश्चितता की मृत्यु है। तो यहाँ ये सवाल था, हमें किस तरह का पवित्र खेल लाना होगा जिससे हम तृप्ति और किसी तरह से संतुष्टि को ला सके। तो वो क्या कह रहे थे, किसी तरह की आत्मिकता बहुत जरूरी है, कोई जो अद्भुत है, कोई जो सिद्ध स्वभाव का है। अब हम ये सब कैसे पाएंगे? मेरे लिए ये जॉन, सच में ये मेरे लिए हर समय का सबसे महान सवाल है। यदि परमेश्वर किसी भी जगह पर नहीं है तो हम परिभाषा कहाँ पाएंगे, संपर्क की बात कहाँ पाएंगे? नीचे सही मुद्दे पर थे। तो उन्होंने कहा कि दो बातें होंगी, 20वीं सदी इतिहास में सबसे खून भरी सदी होगी क्योंकि 19वीं सदी ने परमेश्वर को मार दिया, फिलोसॉफिकली कह रहे थे, और पूरे संसार में पागलपन कैसे होगा? अवश्य ही हमें सलमत से बाहर आकर इन बातों को देखना होगा कि आज हम इस संसार में कहाँ है। जब हम देखते हैं कि 20वीं सदी में क्या हुआ, अश्वेत और ये सारी बातें, जानते हैं लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, कहते हैं आप हद पार कर इसे खींच रहे हैं। नहीं नहीं, जी के चेस्टर्टन ने इसे इस तरह रखा, परमेश्वर में विश्वास न करने की दुख की बात। ये ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति किसी में विश्वास न करे, लेकिन ये इससे भी बुरा है, वो व्यक्ति किसी भी बात में विश्वास कर सकता है। जी, आपने कहा कि ये चार मुश्किलें होंगी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करते हैं परंपरा के जीवन में या किसी व्यक्ति के जीवन में। और पहला तो आपने कहा था वो तो ये है, और कोई नहीं था जिसने समझ के साथ बहस की हो कि इन सवालों का बेहतर जवाब दे सके। तो पहला है, यदि परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है तो किसी नैतिक ढांचे के लिए कोई विवाद की कोई बात ही नहीं है, इसे बताइए। जी ऐसा है कि जन्म से मैं पूर्वी हूँ और यहाँ रहने से अब पश्चिमी हूँ। मैंने ये दोनों परंपरा अपना ली है और मैं दोनों के बल और कमजोरियों को देखता हूँ। पश्चिमी संसार में हम सोचते हैं कि यदि पूर्वी संसार में कोई परमेश्वर है तो किस पर विश्वास करें। जानते हैं ये तनाव होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें नैतिक ढांचा चाहिए जिससे हम अपना जीवन बना सकें। अमेरिका में हम कानून की जड़ों के बारे में कहते हैं, ठीक है हमारे पास कानून की जड़ है, राजनीति का तना है और परंपरा की डालियां हैं, वो फैली है। किस कारण जड़ एक साथ रहेगी? ये तो नैतिक भूमि है जिसे जड़ को एक साथ रखना होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका सही क्रम में बना है और ये सब कुछ, तो हम नैतिक बातों से कहां फिर गए? यहां तक सबसे विख्यात नास्तिक ने भी इसे मान लिया है। ये तो
केवल विख्यात होने वाला है जो हर तरह के हल के साथ आना चाहते हैं। कुछ गलत शिक्षा वाले जो सोचते हैं कि हम परमेश्वर से हटकर कुछ नैतिक बातों को ढूंढ निकालेंगे, वो गर्म जोशी से आते पुराने और धोई गई थियरी लाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैकी एक ऑस्ट्रेलियन ने कहा, जानते हैं इन अच्छी या बुरी बातों के बारे में बातें करना मुश्किल है जब तक कि किसी तरह का ढांचा ना हो। उन्होंने इसे माना। काइनल्सन कैनेडियन नास्तिक ने कहा, व्यवहारिक रूप में हम किसी निर्णय लेने की बात पर नहीं आ सकते चाहे हम कितने भी तथ्यों को एक साथ न जोड़ दें। फिर उन्होंने ये कहा, ये तथ्य ही तो मुझे परेशान करते हैं। बर्टन रसल ने कहा कि वो सही और गलत के बीच का चुनाव उसी तरह करते हैं जैसे पीला और हरे में करते हैं। उन्होंने ये कपोसटन से कहा और कपोसटन ने कहा, हाँ तुम देख कर ही पीला और हरे में चुनाव करते हो, है ना? तो फिर भले और बुरे के बीच का फर्क महसूसीकरण के आधार पर करेंगे। जी मैं अक्सर अपने दर्शकों से कहता हूं, कुछ परंपरा में वो पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, दूसरी परंपरा में वो उन्हें मारते हैं, तो क्या बर्टन रसल के पास पर्याय था? खैर बता दूं कि नेतृत्व ने खुद कहा था कि आईने के हॉल में जो एक दूसरे की ओर प्रतिबिंब दिखाते हैं वहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं इतना धर्मी हूं जो सत्य की वेदी के सामने अपने घुटने टेक दूं। वो किस बारे में कह रहे थे? जो सत्य है उसके नैतिक उपयोग के बारे में। और मेरे लिए जॉन, और मैं जानता हूं आपके जीवन में भी, मैं एक परिवार की परवरिश कर रहा हूं, मैं एक पिता हूं, एक पति हूं, अब मैं दादा भी हूं, और मैं देखता हूं कि पढ़ाई का क्षेत्र हमारे जवानों को कहां ले जा रहा है। संबंधित होना, संबंधित होने की सोच की चरम सीमा तो मानो अपने पैरों को हवा में मजबूती से जमा देने जैसा है। नैतिक निचीत की खोज किसी पारदर्शी बातों के बिना तो इसे व्यवहारिक रूप में करना असंभव होगा, बिल्कुल असंभव होगा। हम अगले हफ्ते इसके बारे में और भी देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब जो दो मिनट बाकी हैं, इसमें इसे जोड़ते हैं जो आप कह रहे हैं, जो आपके जीवन में हुआ। लोग अर्थ ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं जवाबों को, और आपने इसे संसार में नहीं पाया, इसे आस्था में नहीं पाया, आपने इसे इस व्यक्ति में पाया। इसके बारे में बताइए, और कैसे इस व्यक्ति यीशु मसीह ने उन चारों सवालों का जवाब दिया जिसके बारे में हम आने वाले हफ्ते में चर्चा करने वाले हैं। जी, जब मुझे यूएन में वक्ता के रूप में बुलाया तो मुझे निश्चितता के बारे में कहने के लिए बताया गया, और मैंने यहाँ चार खोज के बारे में बताया। हमें खोजना है बुराई की परिभाषा के बारे में, हमें न्याय के बारे में खोजना है, कैसे प्रेम की परिभाषा करें, और हम कब व्यवहारिक रूप में माफ कर सकते हैं। बुराई, न्याय, प्रेम और माफी। और वो ध्यान से सुन रहे थे। मैंने कहा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इतिहास में कहाँ ये चारों का साथ आए? किसी एक निश्चित समय में ये एक साथ आए कलवरी नाम की पहाड़ी पर, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में, जिसमें सिद्ध धार्मिकता प्रकट की गई, जिसमें परमेश्वर का प्रेम दिखाया गया, जिसने न्याय को केंद्र में लाया, पाप के दंड में, और मुझे माफी दी। और कहीं भी नहीं, और कहीं भी नहीं आप इन चार सच्चाई को एक साथ नहीं देखेंगे। और माफी और अनुग्रह दिया गया हो, मैंने इस यीशु मसीह में पाया है। और मुझे सुनने वाले दर्शकों को मैं यही बात बताता हूं, यदि उसकी ओर देखेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो आपको अपनी क्षमा देगा और उसका छुटकारा भी। जी दोस्तों, ये अद्भुत बात है। और यदि आप इन बातों के बारे में सोच रहे हैं और ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए। यह आपके लिए एक जगह है कि यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बारे में आप सोचें, ऐसी प्रार्थना जो रवि ने पहले की थी। लेकिन शायद इसे करने के पहले आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें और आने वाले हफ्तों में हम लोग चर्चा करेंगे। मनुष्य परमेश्वर को खोज रहा है और यहाँ वो सवालों का जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के जवाब नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि रवि इसके बारे में मार्गदर्शन करे इस गड़बड़ी में, ये जो बर्बादी हो रही है, और आपको अगले हफ्ते सटीकता से उत्तर दें कि क्या मनुष्य परमेश्वर के बिना जी सकता है। आशा करता हूँ कि फिर से जुड़ जाएंगे। अगले हफ्ते के प्रोग्राम का भाग देखने के लिए बने रहिए। यदि आप हमारी नई सीरीज की सारी जानकारी पाना चाहते हैं, रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। इस सीरीज में रवि बताते हैं कि कैसे भारत में इनकी परवरिश हुई, कैसे इनके पूर्वज उस समय ऊंची जाति के याजक थे। 33 करोड़ ईश्वरों के इस देश में ये अक्सर जीवन का अर्थ खोजते थे, अंत में आशा भी खो बैठे और आत्महत्या करने की कोशिश की। तब हॉस्पिटल में एक भाई ने इन्हें बाइबल दी
और इन्होंने यीशु के शब्द को पढ़ा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। फिर अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया और संसार के सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट बने। इस सीरीज में ये इस सवाल का जवाब देंगे, क्या मनुष्य परमेश्वर के बिना जी सकता है, और उस लेक्चर का सारांश बताएंगे जो इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देने के लिए कहा गया था। और फिर तीसरा, इन्होंने पूर्वी विद्यार्थियों द्वारा सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। फिर हमारी दूसरी सीरीज है जिसका नाम है रवि जकरिया सवालों का जवाब देते हैं, यूरोप से, मध्य पूर्व से और अमेरिका से। क्या सारी आस्था एक जैसी नहीं? क्या यीशु बहुत से भविष्यवक्ताओं में से एक नहीं? क्या ये कहना अन्याय होगा कि मसीहत के पहले जितने भी लोग थे वो नरक के लिए निश्चित किए गए हैं? क्या त्रिएकता का ये मसीह सिद्धांत कि परमेश्वर तीन होकर भी एक है? विवाद न करते हुए नियम तोड़ना, यदि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य और महान प्रेमी है तो वो क्यों चुनेगा कि संसार को बनाए जिसे वो जानता था कि वो बिखर जाएगा और इतनी बुराई और दुख उठाएगा? याद रखिए, आज का प्रोग्राम आप मुफ्त में देख सकते हैं हमारे जॉन एंकरबर्ग शो ऐप पर या हमारी जॉन एंकरबर्ग शो वेबसाइट पर jashow.org पर। और यदि आप अपने लिए ये प्रोग्राम पाना चाहते हैं, हर आधे घंटे का प्रोग्राम डिजिटल डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है केवल $5 प्रति एपिसोड में। हमारी वेबसाइट पे जाएं jashow.org पर। जानते हैं, जैसे कि आप और मैं पहले चर्चा कर रहे थे, ये सवाल कि सदी पहले के बारे में है। जैसे हम उत्पत्ति की किताब खोलते हैं, शुरू से ही जानते हैं सारा सवाल, मैं सोचता हूँ कि भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खाने के बारे में है। कैसे परमेश्वर ने कहा था और परीक्षा लेने वाले ने कैसे कहा? परमेश्वर मनुष्य जाति से मांग कर रहा था कि यदि तुम इसे खाते हो तो तुम उसी दिन मर जाओगे, और परीक्षा लेने वाला आता और कहता है नहीं नहीं नहीं, जिस दिन तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर हो जाओगे। देखिए, पूरी तरह से दो विरोधी दृष्टिकोण दिए गए। यहाँ जोखिम क्या थी? परमेश्वर के साथ कौन खिलवाड़ करेगा? क्या प्रभु के साथ खिलवाड़ करेंगे या प्रभु को प्रभु रहने देंगे? यानी ये सवाल तो दृष्टि की शुरुआत तक जाता है। और अब हमारी परीक्षा होती है कि उस तरह से जिए और हम जान रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है, परिभाषा के लिए कोई संपर्क की बात नहीं रही। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें, इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर, और वहां पर प्ले टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।